अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फराज ब्लॉग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और आज सोचा कि कुछ छोटा सा एक रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है। सो एंड द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, आई मीन नॉट अ स्टोरी। तो जब मैं इंडिया गई थी वेकेशन, माय सिस्टर इन लॉ अकीला अप्पा, ओके, तो शी हैड गिवन मी दैट टर्मरिक लीव्स, ओके। सो वी गॉट द टर्मरिक एंड हम लोगों ने यहाँ पे ग्रो किया था। सो अभी उसमें से ना कुछ लीव्स आए, ऑलमोस्ट 7-8 या कुछ आए, तो वहाँ तो इसके आगे आप देखोगे कि क्या हुआ, ओके। तो मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप कुछ लिया है, तो आप वो देख लेना। और मैंने जो बनाया है पातोली, वो बहुत ही अच्छे थे, थैंक यू। हम लोगों ने वो बनाया, हम लोगों ने खाया पेट भर के माशाल्लाह से। तो यस, आप फॉलो करना और देख लो पूरा वीडियो। और दूसरी बात, सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये अपने गोवा में कौन सा वाला वो जो हो रहा है इसमें? ये तो नहीं कट करवाना है ना, ये लो। अच्छा, द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल बिहाइंड दिस। ये टर्मरिक लीव्स हम लोगों ने इंडिया से लाए हैं, एंड हु गेव मी इज माई सिस्टर इन लॉ, शी गेव मी द रूट्स ऑफ दिस। और हम लोग आने के बाद हम लोगों ने इसको गेट मी ना, इसको पेड़ लिया, तो क्या कर लिया, ग्रो किया। अच्छा, ग्रो किया है, सॉरी करेक्शन, मैं ईद बामा हबी। तो या वी जस्ट फाउंड दिस मैनी, आई थिंक ऑलराइट। तो चलो आज मैं इससे बनाऊंगी पातोड़ी, जो कि हमारे गोवा का फेवरेट है, हर बारिश में हम लोग खाते हैं अपने घर पे। सो आई हैव ऑलरेडी सोक्ड द राइस, जो कि अपने घी वाले राइस होते हैं ओवरनाइट में। और अब मैं डालूंगी So this is how the paste should be, like literally a thin, and you have to put salt little to balance the flavor, okay? Coconut, jaggery और थोड़ा सा इलायची पाउडर, एंड मेन इम्पॉर्टेंट टर्मरिक लीव्स, जो कि हम अपने गोवा के स्टाइल में कहते हैं कि पातोड़ी के पत्ते। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एवरी टाइम जब भी बारिश के सीजन में मोस्टली हर एक के घर में ये बनते ही है, यू कुक इट थ्रू द स्टीम, एंड इट इज सो, वो एक सीजन होता है वेयर इन गोवा पीपल लव ईटिंग दिस, एंड आई एम वन ऑफ द गोवन, आई लव दिस, एंड स्पेशली माई मॉम, शी मेक्स इट टू मी एवरी टाइम। बट आई थिंक दिस टाइम भी मम्मा ने खिलाया था, और ऑफकोर्स माई मॉम इन लॉ, okay, she also made this and sent it to me. How sweet. God bless both of them, and to all the mommies in this world, keep them happy and good health. Okay, chalo, so I'm going to start making this recipe and take you through all this process, okay? So let's begin.